क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले तक हम क्वेश्चन नंबर 23 तक एक टाइप के सॉल्यूशन कर चुके हैं, आप लोग प्रीवियस वीडियोस देखिए उन सबको करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 24 को रीड करते हैं हम। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एंड गिवन स्लैंट हाइट एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन ऑल्टीट्यूड इक्वल टू रूट टू टाइम द रेडियस ऑफ द बेस। समझ में आ रहा है? कोई भी कोन जिसका कर्व सरफेस एरिया क्या है, लीस्ट है, मिनिमम है, और वॉल्यूम क्या है, गिवन है, उसका ऑल्टीट्यूड कितना है, रूट टू टाइम्स ऑफ बेस, एच इक्वल टू अंडर रूट टू आर, यानी हाइट जो है रेडियस के अंडर रूट टू टाइम्स है। कोन कोई भी कोन है मेरे पास, उस कोन का वॉल्यूम मुझे मालूम है। क्या मालूम है कोन का? वॉल्यूम मुझे मालूम है। ये मेरे पास एक कोन है, ये इसका ऑल्टीट्यूड है h, और ये इसका रेडियस है और ये l है। अब मुझे इसका वॉल्यूम मालूम है, वॉल्यूम इज गिवन। तो सबसे पहला इसमें एक कंडीशन होती है कि l स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस, यहां से कोई भी एक वैल्यू हम निकालेंगे, कौन सी वैल्यू निकालेंगे बाद में डिसाइड करेंगे। हमारे पास वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम इक्वल टू हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहां से भी एक वैल्यू निकालेंगे। अब इन दोनों की हेल्प से कोई एक, यानी कि जो इसका लीस्ट कर्व सरफेस एरिया कर्व सरफेस था पाई आर एल, अब या तो एल की वैल्यू निकालें, यहां से आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, फिर यहां से आर की वैल्यू यहां लगा दें, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, और वहां पर हम एक इक्वेशन को बना लेंगे आपस में। तो देखो कर्व सरफेस एरिया जो होगा इसका सी, वो होता है पाई आर। अब यहां पर एल की वैल्यू लगाओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, पुट एल फ्रॉम फर्स्ट। तो पहले इक्वेशन से मैंने यहां एल की वैल्यू, एक वेरिएबल बनाना है मुझे, तो सी इक्वल टू पाई आर और एल हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर हो गई? अब यहां पर मेरे पास आर आर एच, अब यहां वॉल्यूम से एच की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, क्या निकाल लेता हूं, एच की वैल्यू, क्योंकि एक वेरिएबल होना है मेरे पास, एक वेरिएबल मुझे पता होना चाहिए। यहां अभी भी दो वेरिएबल है, एक आर है और एक एच है, अगर यहां से मैं आर की वैल्यू निकालता तो आर मेरे पास एच और एल हो जाता, यहाँ एच आता फिर एल भी था और एच भी था, फिर एच की वैल्यू मुझे यहां से निकालनी पड़ती। अब मैंने क्या करना है, अब मुझे h की वैल्यू निकालनी है यहां से, तो 3v/πr² फ्रॉम सेकंड h निकलकर आएगा 3v/πr² 3v/, तो ये यहां लगा देता हूं, देयरफॉर c इक्वल्स टू पाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस h पे स्क्वायर करना है तो 9v² π² r² ये आया हमारे पास। ओके अब मैंने क्या किया, इसको अरेंज किया तो पाई आर, तो पाई स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस 9v² / π² r² यहां से पाई आर बाहर निकल के ये वाला कैंसिल कर लो, तो πr/πr अंडर रूट π² r² प्लस 9v² / π नहीं बचेगा यहां पर, सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर ने बाहर कर लिया। तो ये जो c बना मेरे पास वो कुछ इस तरह की इक्वेशन मेरे पास बन जाती है। इसको मैं और अच्छे से कर लेता हूं, अंडर रूट डिवाइड कर देता हूं पाई स्क्वायर आर फोर प्लस 9v² / ये एक सी की वैल्यू मेरे पास बन गई। अब मैं इसमें सिर्फ आर के रेस्पेक्ट में इसका मैं क्या कर सकता हूं, डिफरेंशिएशन कर सकता हूं। ये एक टर्म मैंने बना लिया सी का। अब हम चाहते तो इसे दूसरी तरह से भी सॉल्व कर सकते थे, हम इसको यहाँ r की जगह r की वैल्यू निकाल कर लगा देते h की जगह पर, r स्क्वायर की वैल्यू लगाते h की टर्म में आ जाता, तो r की जगह दो वैल्यू निकालनी पड़ती, r यहाँ पर भी r यहाँ पर भी, एक निकाल के मैंने लगा दिया।
इज दैट ये अब डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर, तो सी डैश ये हो गया रूट एक्स होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, वन अपॉन टू रूट एक्स, अब ये टर्म का और करना है मुझे, तो देखो फोर पे रह जाएगा फोर पाई स्क्वायर आर क्यूब, फोर पाई स्क्वायर आर क्यूब, और ये वन अपॉन आर स्क्वायर का माइनस टू, माइनस टू अपॉन एक पावर बढ़ा देंगे आर क्यूब, ये हमने इस तरह से कर दिया। अब इस टोटल की वैल्यू तो मैं सी लगा सकता हूं वहां पर, यहां से मैं टू कॉमन ले सकता हूं, टू कॉमन लिया मैंने, टू कॉमन लेकर मेरे पास बचता है टू पाई स्क्वायर आर क्यूब माइनस नाइन वी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब अपॉन टू, और ये पूरा सी हो गया, ये इधर किया सी इंटू सी डैश इक्वल टू टू पाई स्क्वायर आर क्यूब माइनस, ये चेक कर लेंगे, ये पूरे टर्म दोबारा से आ रहा था यहाँ पे, मैंने इसको सी लिख दिया, आसान कर लिया। एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएट, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, सी ऐसी रहेगा इसका करेंगे सी डबल डैश प्लस सी डैश ऐसी रहेगा इसका करूंगा तो फिर से सी डैश हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन इक्वल टू थ्री पहले आया सिक्स पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस थ्री नाइन वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर फोर, इसको इतना ही छोड़ देता हूं। यहां तक हमने कर लिया, डबल डैश तक हम ले आए, ठीक है, ये सी डबल डैश यहां तक मैंने निकाल दिया। पहले हमने कुछ कंडीशंस बनाए, सी की वैल्यू एक वेरिएबल के टर्म में निकाला, अब वही अपना काम करते हैं डिफरेंशिएशन करने वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, ये पहली क्वेश्चन याद रहेगी एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दूसरी क्वेश्चन ये है मेरे पास, ये सी है मेरे पास, आगे आ जाए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, सी डैश को जीरो कर लेते हैं, वो सी डैश ये वाले टर्म पूरे जीरो हो गए इक्वेशन फोर्थ से, टू पाई स्क्वायर आर क्यूब वो इक्वल टू हो जाएगा नाइन वी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अब यहां से या तो वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के वहां लगा देंगे, जैसे चाहो वैसे कर लो, इसको इधर कर लो आर क्यूब, तो ये हो जाएगा टू पाई स्क्वायर आर की पावर सिक्स और नाइन वी स्क्वायर। अब आर की पावर सिक्स की वैल्यू निकाल के लगानी है मुझे, है ना, या वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के, तो सारी चीजें एक जैसी कर लो, जैसे चाहो वैसे कर लो, यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो ये हो जाएगा टू पाई स्क्वायर आर सिक्स अपॉन नाइन, यानी ये इक्वेशन है। अब इसका यूज कर लेंगे हम, ये एक टर्म में मैंने वैल्यू निकाली, आर की निकालो या बी स्क्वायर की निकालो, इस पर मुझे सी डबल डैश की वैल्यू चेक करनी है, पुट इन इक्वेशन फिफ्थ, पुट इन फिफ्थ, इसे फिफ्थ में लगा देंगे तो सी डैश तो वैसे ही जीरो है ऑलरेडी, सी डैश क्या है जीरो, यहां से सी डबल डैश की वैल्यू निकालेंगे हम, तो सी सी डबल डैश इक्वल टू वहां वैल्यू लगाते हैं सिक्स पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस नाइन वी स्क्वायर, और ये नाइन वी स्क्वायर की वैल्यू टू पाई स्क्वायर आर के ऊपर सिक्स लगा देता हूँ वहां पे मैं, थ्री इंटू टू पाई स्क्वायर आर सिक्स अपॉन आर फोर, तो ये आर फोर से ये आर टू बचता है ये भी, तो सिक्स पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सिक्स पाई स्क्वायर यानी कि ट्वेल्व पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, मतलब ये है कि पॉजिटिव आ गया, इसको सिर्फ मुझे साइन चेक करना है ये पॉजिटिव आना है निगेटिव आना है, सी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, सी की वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी रहेगी, यानी टोटल मिला के ये पॉजिटिव आ गया, तो देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया इज मिनिमम, कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे प्रूव कर दिया हमने, मिनिमम प्रूव कर दिया एट वी स्क्वायर इक्वल टू ए, या जो भी टर्म है वहां लगा दिया मैंने। अब यहां से हमें क्या निकालना है, H और R का रिलेशन निकालना है, तो अब सबसे पहली चीज क्या है, ये वॉल्यूम लगा रखा है यहां मैंने,
अब यहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के पहले तो इसको अरेंज करना है, आर और एच, ठीक है। नाउ वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर आर 6/9, वी की वैल्यू लगा देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई स्क्वायर आर 6/9, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो ये 1/9 आएगा, ये आएगा 5 स्क्वायर आर 4 एच स्क्वायर/9, 2 पाई स्क्वायर आर 6/9, 9 से 9, 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर, अब यहाँ पर आर और यहाँ पर 4 है तो ये 2 पावर बचने वाला है और ये बच गया आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आर स्क्वायर, और ये जब एच निकालेंगे तो अंडर रूट 2 into r, यही मुझे प्रूव करना था कि हाइट जो है वो रूट 2 टाइम्स है रेडियस के, ऑल्टीट्यूड इक्वल्स टू रूट 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है, ऑल्टीट्यूड अंडर रूट 2 into radius, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाया करता है, ठीक है, इसको हमने बड़ा सिंपली वे में कर दिया। सबसे पहले वही काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि सबसे पहले जो भी जिसको भी लीस्ट जिसको भी मैक्सिमम प्रूफ करना है उसको एक वेरिएबल के टर्म में लाना है गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो भी कंडीशन दे रखी होती है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उसको वन वेरिएबल की फॉर्म में ले आते हैं, और वन वेरिएबल की फॉर्म में लाने के बाद एक बार डिफरेंशिएशन करके किसी एक टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं, जिस वेरिएबल की फॉर्म में लाए हैं उसको डबल डेरिवेटिव का साइन चेक कर लेते हैं, और डिफरेंशिएशन को इस तरह से जैसे हमने किया था सी मान के डबल डैश मान के उसको शॉर्ट फॉर्म में करके चेक कर दिया करते हैं, ओके, इसको नोट कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये 3-4 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए, ये क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26 और आर वेरी इंपॉर्टेंट। 25 क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन लेंथ हाइट इज टेन इनवर्स रूट टू। सेमी वर्टिकल एंगल तुम्हें बताना है, कोन बना लिया मैंने ए बी सी ओ, ये अल्फा मान लो ये होता है सेमी वर्टिकल एंगल, ये रेडियस, ये हाइट, ये एल। तो अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं अच्छे से कि शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट, एल गिवन है मुझे, एल इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल गिवन है मुझे, ओके, गिवन स्लैंट हाइट एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मुझे मैक्सिमम प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव वॉल्यूम मैक्सिमम, मैक्सिमम वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को मैक्सिमम, वॉल्यूम का फॉर्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो अब यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूं, तो यहां से पहले मैंने वॉल्यूम लिखा, वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अब यहां से तुम आर स्क्वायर की वैल्यू लिख दो तो एच एल तो कॉन्स्टेंट रहेगा, एक वेरिएबल बन जाएगा, तो वी इक्वल्स टू 1/3 पाई एच, आर स्क्वायर यहां से क्या आ गया एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये आ गया एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब एच वेरिएबल है, एच का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई अपॉन थ्री एच इंटू एल स्क्वायर माइनस एच क्यू, ये आ गया दैट क्लियर। अब ये वॉल्यूम है, ये कितने वेरिएबल में, एल कॉन्स्टेंट पाई कॉन्स्टेंट थ्री एच ओनली डिफरेंशिएट, यानी ये बन गया फंक्शन ऑफ एच, तो अब कर दो डिफरेंशिएट सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू एच, वी डैश पाई बाई थ्री एच का वन, एल स्क्वायर तो ऐसे रहने वाला है माइनस थ्री एच स्क्वायर, कितना आ गया ये 3h स्क्वायर, अगेन इसको एक बार और करना है, अगेन डिफरेंशिएट, तो वी डबल डैश पाई बाई थ्री ऐसे रहने वाला है, ये जीरो बनना है, कॉन्स्टेंट हो गया माइनस सिक्स एच, 3 2 6 माइनस 2 पाई एच, ये वी डबल डैश आ गया मेरा, इससे वैल्यू चेक करेंगे हम, ठीक है। ये काम हर क्वेश्चन में, जितने भी तुम्हारे पास इस तरह क्वेश्चन दे रखे होंगे करने के लिए वर्ड प्रॉब्लम्स पर बेस्ड, ये काम करना ही करना है,
कि जो मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ कराना है उसको एक वेरिएबल के टर्म में लाना है गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अब जैसे यहाँ पर स्लैंट हाइट गिवन थी, कहीं का सरफेस एरिया गिवन है, कहीं वॉल्यूम गिवन है, कहीं और कुछ गिवन है, रेडियस गिवन है, तो उस सब कंडीशन का यूज करके हमें ये काम कर लेना है। एक बार डेफिनेशन करना है, फिर दोबारा से करना है। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए ऐसे जीरो कर लेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा करने के लिए हमने वी डैश को जीरो बना दिया। ओके यस, अब ये मेरे पास चला गया पाई बाई थ्री एल स्क्वायर माइनस थ्री एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये सब जीरो में गया तो एल स्क्वायर इक्वल टू थ्री एच स्क्वायर। तो यहां से मुझे मिल गया एच की वैल्यू। अब वैसे तो ये मेरे पास ये सही है इतना एल स्क्वायर और थ्री एच का इसी से काम चल जाएगा, मगर यहाँ से मैं एच निकाल लेता हूँ एल अपॉन अंडर रूट थ्री। अब ये वैल्यू यहाँ लगा दूंगा फोर्थ में, फ्रॉम फोर्थ एट एच इक्वल टू एल अपॉन अंडर रूट थ्री। तो जो डबल डैश है मेरे पास माइनस टू फाइव एल अपॉन अंडर रूट थ्री, यानी कि निगेटिव आई वैल्यू। यहाँ पर क्या लगा टू फाइव एल अपॉन अंडर रूट थ्री, निगेटिव वैल्यू आगे कॉन्स्टेंट वैल्यू है सारी निगेटिव। So therefore volume is maximum at h, जो h दे रखा है उस पर volume क्या हो गया maximum हो गया। अब मुझे semi vertical angle निकालना है, बस semi vertical angle h और r की टर्म में होना चाहिए, ठीक है। h और l की टर्म में मैंने निकाल लिया, तो अब मुझे यहां से क्या लगाना है l की वैल्यू को यहां लगा देना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। नाउ वी हैव हमारे पास ये है, अगर मैं यहाँ निकालूंगा तो एल स्क्वायर इक्वल टू थ्री एच स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल टू थ्री एच स्क्वायर पुट इन फर्स्ट। मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट में लगाने जा रहा हूँ यहाँ पर एल स्क्वायर, तो थ्री एच स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये एच स्क्वायर इधर ले आएंगे तो कितना बचेगा टू एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से आर निकालेंगे तो कितना बचेगा आर इक्वल टू अंडर रूट टू एच, ये आर की वैल्यू आ गई। अब सेमी वर्टिकल एंगल इन ट्राइंगल कहाँ निकलेगा, ये है अल्फा, इन ट्राइंगल ए ओ बी में आ जाओ, इन ट्राइंगल ए ओ बी हमें कितना पूछा है टेन इनवर्स, इसे पूछा टेन इनवर्स में, तो टेन अल्फा क्या आएगा टेन अल्फा पी अपॉन एच, ये अल्फा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है पी अपॉन बी आर अपॉन एच, कितना है ये आर अपॉन एच। तो बेटा आर कितना है मेरे पास रूट टू एच, और एच 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 कैंसिल हुआ तो टेन एल्फा आ गया रूट टू, और एल्फा मुझे मिल गया टेन इनवर्स अंडर रूट टू। यही प्रूफ करना था, देख लें सभी बच्चे एल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स रूट टू, बड़ी आसानी के साथ निकल आया हमारा, ठीक है। सबसे पहला काम हमने वही किया, इक्वेशन बना लिए, डिफ्रेंशिएशन कर लिए दो बार, एक बार को जीरो करके यहां से एक वेरिएबल की जिस वेरिएबल को माना है उसकी वैल्यू निकाल के सेकेंड वेरिएबल का साइन चेंज चेक किया, प्लस किया माइनस मैक्सिमा और मिनिमा। आफ्टर दैट जो प्रूफ करना था वो किया, क्योंकि मुझे टेन एल्फा निकालना था तो आर और एस का रिलेशन चाहिए था, यहां से एल निकल कर आया था, इस एल की वैल्यू मैंने इक्वेशन फर्स्ट में लगाया और आर और एस की एक कंडीशन निकाल दी। अब जो टेन एल्फा मुझे एंगल निकालना था मैंने उस टेन एल्फा में दे दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लें सभी स्टूडेंट, बढ़िया करके नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1 बाय 3। अब साइन इनवर्स पूछा है, पहले टेन इनवर्स पूछा था, पहले स्लैंट हाइट दी हुई थी, अब मुझे क्या दिया हुआ है गिवन सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को करते हैं हम, कोन का कोन है मेरे पास अल्फा, सरफेस एरिया गिवन है, तो पहली कंडीशन तो सबको ये मालूम है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। सरफेस एरिया एस टोटल सरफेस एरिया, तो क्या होता है इसका सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये गिवन है मुझे, ये गिवन है।
अब यहां से मैं एक L की या R की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो कौन सी वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूं मैं? L की वैल्यू देख लो, यहां से मैं L की वैल्यू को आसानी से निकाल सकता हूं, F माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर L। जब L निकालूंगा तो S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, L निकाल लिया मैंने। वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम होगा 1 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वहां पर आर भी होगा एच भी होगा, एल में से मैंने टर्म निकाल लिया आर की वैल्यू, तो देखो वॉल्यूम निकला। अब यहां पर दो वेरिएबल हैं और वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करना है, तो मेरे पास एक वेरिएबल होना चाहिए। कैसे निकालें? अगर मैं यहां पर आर स्क्वायर की वैल्यू लगा देता हूं, R की वैल्यू बताओ, L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, फिर L की वैल्यू फिर R आ जाएगा। यहां से H हटाना है, क्या हटाना है? पहले H हटाना है यहां से, इक्वेशन फर्स्ट से देखो, पुट H, वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर H हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, L की वैल्यू लगा देंगे। करो भाई, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है इस क्वेश्चन में बेटा। L का स्क्वायर करना है S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर, यानी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। करो, वन अपॉन थ्री पाई अंडर रूट और इस पर ओपन कर लिया इसका ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस टू ए बी, कैल्सियम ले लिया माइनस पाई स्क्वायर आर फोर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये पाई स्क्वायर आर फोर से पाई स्क्वायर आर फोर कैसे हो गया एस स्क्वायर माइनस टू एस पाई स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर बाई थ्री अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस टू एस पाई आर स्क्वायर और ये रूट से बाहर पाई आर। सॉरी अभी नहीं करते, बाद में करेंगे, अंदर ही रहना। पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ओके यहाँ पे सही है। अब इसको जब अंदर लेकर पहुंचता हूं मैं, तो रूट के अंदर इसको स्क्वायर में लेकर पहुंच जाता हूं मैं, पाई स्क्वायर आर की पावर फोर एस माइनस टू एस। कैलकुलेशन आसान कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ देखेंगे सभी बच्चे। अब यहाँ से आसान है, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल कर सकता हूँ और इससे ये आर स्क्वायर बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो मेरे पास वॉल्यूम बच रहा है 1 बाई थ्री अंडर रूट आर स्क्वायर एस स्क्वायर आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस, यहाँ आर स्क्वायर बचेगा टू कैंसिल होकर बाद टू एस पाई आर की पावर फोर टू एस पाई आर एस की पावर फोर, ये मेरे पास वॉल्यूम बन गया जिसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। कौन सी क्वेश्चन बनेगी? फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये थर्ड क्वेश्चन बन गई मेरे पास, जहां से मुझे वॉल्यूम वो अब वो एक ही टर्म में आ गया, आर एस गिवन है मुझे और आर के टर्म में वो बना दिया मैंने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसी को सीखने, क्योंकि डिफरेंशिएशन जितना ईजी कर सकते हो उतना ईजी कर लो, अदरवाइज डिफरेंशिएशन बहुत लेंदी हो जाता है। तो मुझे ये तो मालूम है कंडीशन कौन के लिए, ये दे रखा था S। अब यहां से मैं किसकी वैल्यू इजीली निकाल सकता हूं, R दो जगह आ रहा है, L की वैल्यू निकाल सकता हूं S माइनस पाई आर स्क्वायर, ये हो गया पाई आर L, L निकालना था पाई आर से डिवाइड कर दिया, L आ गया मेरे पास निकल के यहां से, ठीक है। अब मुझे वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमम प्रूफ करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, लेकिन दो वेरिएबल हैं। यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू एच की वैल्यू निकालो, आर स्क्वायर तो मुझे मिल जाएगा वन अपॉन थ्री पाई स्क्वायर एच, यहां से निकाला उधर ले गए एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट में लगा दिया, L की वैल्यू ये लगा दिया यहाँ पर, L पर स्क्वायर है तो S माइनस पाई आर पर स्क्वायर अपन पाई स्क्वायर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, होल स्क्वायर ओपन किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी टू एस पाई आर स्क्वायर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस पाई स्क्वायर आर पावर फोर, ये कैंसिल हो गया, ये बचा। अब ये भी आर स्क्वायर है ये भी आर है, यानी दोनों आर की टर्म है, तो इसको रूट के अंदर पहुंचाया, अगर अंदर एक्स स्क्वायर होता है तो बाहर एक्स आता है, अंदर एक्स फोर होता है तो बाहर एक्स स्क्वायर आता है, यानी कि हाफ पावर आती है, तो बाहर से अंदर आने के लिए डबल कर देंगे पावर, आर स्क्वायर का आर फोर पाई का पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ओके डिफरेंशिएट करते हैं आप,
आ जाओ, तो कर लो इसे डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करने के बाद में ये मिल गया मुझे v डैश 1/3 एज इट इज रहेगा, और ये सब क्या है, रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स ही रहेगा, ठीक है। आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2s5 इंटू, अब ये टर्म का दोबारा करना पड़ेगा, तो देखो यहां पर ये बनेगा 2 आर स्क्वायर आर रह जाएगा एस स्क्वायर माइनस 4 to the 8 s5 r³। ओके ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू, इससे रूट की वैल्यू 3 भी लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से देख लेंगे सभी बच्चे। ये सिर्फ ये रूट की वैल्यू को मैं दोबारा से यहाँ निकाल रहा हूँ थर्ड से मैं आसानी करने के लिए। तो ये v डैश इक्वल टू, ये तो सेम रहेगा, तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, एक बार s भी कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ से, तो 2s r s - 4 π r³ r बाद में आ गया से कॉमन अपॉन 3 × 2 इंटू ये पूरा बच जाएगा यहाँ से 3b ठीक है, फ्रॉम 1 थर्ड से निकाला, ये 2 से 2 3 × 3 = 9 v, ये v मैं इधर ले आता हूँ, तो v × v′ = ये बचेगा तुम्हारे पास s/9 r s - 4 π r³। यहां तक समझना, डिफरेंशिएशन को ही आसान करना था, तो मैंने क्या किया, ये पूरा x हो गया, अंडर रूट x का मैंने फॉर्मूला बता रखा है 1/2 √x, और ये वाली जो टर्म है इसको मैंने अगेन डिफरेंशिएट कर दिया 2 r s² - 4 to the 8 s π, ऐसे ये 5 नहीं है s π r³ हो गया, ठीक है। यहां से ये s तो कांस्टेंट टर्म 2 के साथ मैंने बाहर निकाल लिया, ये पूरी जो वैल्यू है यहां देखें और ये इसको यहां देखें, ये पूरी वैल्यू सेम है आपकी, r² s = 2s π r² 4 r² s = 2s π r² 4 3 उधर ले गया 3 v, इसकी जगह पर मैंने 3 v लगा लिया, बार बार इसको यूज नहीं कर रहे हम, इससे पर मैंने 3 v लिख दिया, अब ये स्मॉल बन गया मेरा, शॉर्ट बन गया मेरा। इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, जब तक यहां तक नोट करें सभी को, स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। ओके मिटाने जा रहा हूं, पॉज करके उसको वहां से नोट कर लें, यहां से मिटा देता है, ये ऐसे रह देते हैं। अगेन डिफरेंशिएट, तो देखें इसको फर्स्ट सेकंड v ऐसे रहेगा, इसका हो जाएगा v डबल डैश प्लस v डैश और दूसरे वाले टर्म का भी v डैश इक्वल्स s/9 r का बन हो गया s बचता है यहां पर माइनस 3/4 the 12 πr² ओके ये फिफ्थ इक्वेशन मान ली मैंने। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए अब क्या करना है, तुम्हें वी डैश को जीरो कर देना है, कहां वी डैश, ये वाली प्रॉब्लम जीरो कर लो, s/9 जीरो हो गया, आर एस माइनस ये सब जीरो में चला गया, आर भी कॉमन ले लिया स्क्वायर, यहां से s इक्वल्स टू 4 π r² आ गया, s की वैल्यू 4 π r² लगा दो या r स्क्वायर की वैल्यू s की टर्म में लगा दो, तो r स्क्वायर की वैल्यू को s की टर्म में लगा देंगे निकालकर, या s वैल्यू 4 π² निकाल देंगे, वही बात आएगी पुट इन फिफ्थ, तो ये जो मेरे पास ये तो जीरो v डैश जीरो हो रहा है, ये v डबल डैश की वैल्यू क्या बचेगी, ये बच जाएगी s/9 यानी 4 π r² / 9, s की जगह पर मैंने लगाया 4 π r² - 12 π r² यानी कि 4 - 12 - 8 - 32
-32 पाई आर स्क्वायर अपॉन 9, कहने का मतलब मिल गया नेगेटिव। जब ये नेगेटिव मिल गया तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया। जो भी एच की वैल्यू आर की वैल्यू है उस पर वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया। अब वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया तो मैं साइन इनवर्स निकालना है, समझते रहेंगे। मैक्सिमम वॉल्यूम पर साइन इनवर्स, साइन क्या निकलते हैं, साइन निकलेगा पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, आर और एल का रिलेशन। तुम्हारे पास यहाँ से आर आ गया तो अब तुम्हें एल का इक्वेशन सेकंड से निकलेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, देखते रहेंगे सब अच्छे से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एल इक्वल्स टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ एस की जगह पर क्या लिख देंगे हम, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, 4 पाई में से पाई 3 पाई, 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, पाई से पाई आर से एल इक्वल टू कितना आ गया 3 आर, देयरफॉर इन ट्राइंगल ए ओ बी, जो ट्राइंगल ए ओ बी है हमारा उसमें साइन एल्फा निकाल दो, तो साइन एल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस आर अपॉन एल, तो ये आर और एल हो गया 3 आर, आर से आर, यानी साइन एल्फा इक्वल टू 1/3, तो एल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, ये भी प्रूफ हो गया हमारा, सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3 आ गया। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन को आसान बनाने के और भी मेथड हैं, एंगल लेकर कर लिया करते हैं इसे, थीटा मान लेते हैं, एल के क्रम में निकाल लेते हैं जो गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग, मगर ये मेथड सबसे बढ़िया मेथड है जो हमने तुम्हें बता दिया, ठीक है। अभी इसको पॉज करके नोट कर लेंगे इजीली।